हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सावल क्लासेस। मेरा नाम दीपक सर है और आज मैं आप लोगों के साथ 19 मार्च 2018 की करंट जीके को डिस्कस करने जा रहा हूं। तो करंट जीके को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप लोग एक पेन और एक कॉपी को अपने साथ लेके बैठा कीजिए, ताकि हम लोग करंट जीके के साथ साथ जो स्टैटिक जीके के पॉइंट्स बनते हैं, हम लोग उन्हें भी साथ के साथ डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की करंट जीके की सबसे पहली खबर के साथ। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इनॉग्रेशन की है एक ऐसी फेस्टिवल की जो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के बेस्ड होगा। जैसा कि आप लोग जानते हो, भारत के राष्ट्रपति का नाम रामनाथ कोविंद है। अब आप लोग कुछ पॉइंट्स को नोट करना शुरू कीजिए जो स्टैटिक जीके के पॉइंट्स हैं। भारत के राष्ट्रपति का नाम रामनाथ कोविंद है। ये भारत के 14th प्रेसिडेंट हैं, 14th प्रेसिडेंट, भारत के 14वें राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति की सैलरी, जैसा कि हम लोग जानते हैं, 5 लाख रुपया प्रति महीना होती है। और ये 5 लाख रुपये महीने की सैलरी आज से जस्ट 1.5 महीना पहले ही हुई है, जब 1 फरवरी 2018 का बजट पेश किया गया था। तो उसमें 7वें वेतन आयोग के तहत राष्ट्रपति की सैलरी को 5 लाख रुपया महीना कर दिया गया था। भारत के राष्ट्रपति की टर्म 5 वर्ष की होती है। तो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2017 से लेकर 2022 तक हमारे देश की सेवा करेंगे। राष्ट्रपति का भवन या निवास स्थान राष्ट्रपति भवन को कहा जाता है और ये आकार के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रपति भवन है। भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, जिन्हें भारत का संविधान लागू होने से 2 दिन पहले चुना गया था, 24 जनवरी 1950 में। और ये भारत के इकलौते एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके लिए किसी प्रकार की कोई वोटिंग नहीं की गई थी। तो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इनॉग्रेशन की है भारत में एक ऐसे फेस्टिवल की जो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के बेस्ड होगा। ये फेस्टिवल 5 दिन लॉन्ग चलेगा, जिसे राष्ट्रपति भवन में शुरू किया गया है। और इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कराया गया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन द्वारा। इसका मोटिव ये होगा कुछ नई चीज़ों की खोज करना, ताकि हम लोग भारत की एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, सैनिटेशन, हेल्थ, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास को बहुत तेज़ी के साथ हम लोग आगे कैसे ले जा सकते हैं, उसके लिए नई नई चीज़ों की खोज करना। तो ये थी हमारी 19 तारीख की सबसे पहली खबर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारी सेकेंड न्यूज़ की तरफ। 2 दिन की एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस और मीटिंग WTO के साथ शुरू हुई है नई दिल्ली में। WTO को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, विश्व व्यापार संगठन। ये एक ऐसी संस्था है जिसका मोटिव धरती के सारे देशों को आपस में जोड़ना है, व्यापार के लिए जोड़ना है। WTO का गठन 1 जनवरी 1995 में हुआ और WTO के इस दुनिया के 164 कंट्रीज जो है वो मेंबर हैं। इसके डायरेक्टर जनरल जो मुखिया हैं उनका नाम है रोबर्टो। लगभग 50 देशों से लोग इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए भारत आए हैं न्यू दिल्ली के अंदर। और मंडे को जो है इसकी कॉन्फ्रेंस जो है 2 डेज की कॉन्फ्रेंस एक शुरू हुई है, जिसे भारत के यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर सुरेश प्रभु द्वारा भी अटेंड किया गया है। तो जैसा कि आप जानते हो, भारत के कॉमर्स मिनिस्टर भारत के व्यापार मंत्री, जिनका मोटिव भारत में व्यापार और इंडस्ट्रियों को प्रमोट करना है, वो सुरेश प्रभु है। और अब सुरेश प्रभु के पास एक दूसरा डिपार्टमेंट भी, दूसरा मंत्रालय भी है सिविल एविएशन का, जिन्हें उड्डयन मंत्रालय भी कहा जाता है। तो सुरेश प्रभु ने अपने डेलीगेट्स के साथ WTO के जो डेलीगेट्स आए हैं बाहर से और 50 देशों के लोगों के साथ एक 2 दिन की इनफॉर्मल मीटिंग दिल्ली के अंदर शुरू की गई है। यहाँ एक जानने वाली बात आपको ये है कि WTO का पुराना नाम क्या था। तो WTO का पुराना नाम था, आप लोग नोट कर सकते हो, GATT, जिसे जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड कहा जाता है। GATT को जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड कहा जाता है। GATT का नाम चेंज करके, कुछ पॉलिसीज़ को चेंज करके, प्रोटोकॉल्स को चेंज करके दुनिया में 1 जनवरी 1995 में बनाया गया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका अल्टीमेट मोटिव पूरे वर्ल्ड के अंदर बिजनेस को प्रमोट करना है, ट्रेड को प्रमोट करना है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, कि पूरी दुनिया आपस के अंदर एक दूसरे के साथ बिजनेस करे, एक दूसरे के गुड्स और सर्विसेज को शेयर करें। तीसरी खबर, व्लादिमीर पुतिन, ये जिनकी फ़ोटो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो 4थी बार लगातार
रशिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं अगले 6 सालों के लिए। पुतिन जो कि पिछले लगभग 20 सालों से रशिया में राज कर रहे हैं, और इस साल के चुनाव में 76% से ज़्यादा वोट जो हैं वो पुतिन के लिए आए। और पुतिन ने इसको अपनी शानदार भाषण में कहा कि ये रशिया की जीत है। इतनी भारी वोटिंग से ये पता लगता है कि रशिया के लोगों का विश्वास अभी तक उनके साथ जुड़े हुए हैं। और 2018 से लेकर अगले 6 सालों तक, 2024 तक जो है, पुतिन अब रशिया के राष्ट्रपति रहेंगे। और स्टालिन के बाद सबसे लंबे समय तक राज करने वाले अब जो राष्ट्रपति बने हैं रशिया के, वो पुतिन ही होंगे। रशिया की राजधानी है मॉस्को, रशिया की करेंसी है रूबल, और इस वक्त उसके राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। ये धरती का सबसे बड़ा देश है जिसका आकार सबसे बड़ा है, 1,70,75,200 स्क्वायर किलोमीटर। रशिया की टोटल पॉपुलेशन हमारी यूपी से भी कम है, 14.5 करोड़, और रशिया की जीडीपी 1.5 ट्रिलियन डॉलर। आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारी फोर्थ न्यूज़ की तरफ। उसैन बोल्ट, आज से लगभग 1.5-2 साल पहले ये नाम हमें ओलंपिक्स के समय काफ़ी सुनने को मिला था। उसैन बोल्ट जो है वो एक स्प्रिंट लेजेंड है, जो कि मतलब जिन्होंने आज से कुछ टाइम पहले पार्टिसिपेट करना, मतलब उन्होंने इसे रिटायरमेंट ले ली थी। ये एक दौड़ लगाने वाले, जैसे ओलंपिक्स में कॉमनवेल्थ के अंदर जो दौड़ लगती है 100 मीटर 200 मीटर, मतलब कि वर्ल्ड के एक सबसे बड़े लेजेंड के रूप में इनको देखा जाता है। 31 साल की इनकी उम्र है। आज से कुछ महीने पहले इन्होंने कहा था कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे सभी तरह के ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ के अंदर अब मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, मैं उसे रिटायरमेंट ले चुका हूं। बट अब इन्होंने ऐलान किया है कि अब वो एज ए स्पेक्टेटर, मतलब कि एज ए दर्शक के रूप में जो है वो कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर अब वो हिस्सा लेंगे। इसके सिवा वो दुनिया की कई सारी क्रिकेट टीम्स को और कई सारी फुटबॉल टीम्स के अंदर भी जो है उनके खिलाड़ियों की मदद करते हैं, रनिंग से रिलेटेड, और किस तरह से भाग के और अपने स्कोर को ज़्यादा किया जाए। उसैन बोल्ट ऐसे फर्स्ट पर्सन है जिनके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है 100 मीटर और 200 मीटर का। और उसके सिवा उसैन बोल्ट 8-टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, जिन्होंने 8 बार ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल जीते हैं। ये जो आप फोटो देख रहे हो ये उसैन बोल्ट की है, और ये जमैकियन है, मतलब कि जमैकिया कंट्री के रहने वाले हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सावल क्लासेस के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी की इंस्पेक्टर की जो 207 जॉब्स निकली हैं उसके एक्सपर्ट बैच इवनिंग के हम लोग शुरू कर चुके हैं, और मॉर्निंग के बैच हम लोग इसी मंडे से 4 दिन बाद शुरू करने वाले हैं। 4 दिन के बाद मंडे सुबह 10 बजे से लेकर और दोपहर 1 बजे तक 3 घंटे की आप लोगों की इसकी कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पेक्टर की क्लासेज रहेंगी। ऑलमोस्ट 2.5 मंथ का ये बैच है, जिसमें आपको लगभग 4 टीचर द्वारा पढ़ाया जाएगा पंजाबी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के अंदर। तो अगर आप लोग मॉर्निंग और इवनिंग किसी भी टाइम के अंदर अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी के इंस्पेक्टर्स की, इसके सिवा पंजाब पटवारी की, अपकमिंग एएसआई की, बैंक एसएससी के बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप इन्हीं नीचे दिए गए नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिफ्थ न्यूज़ की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे देश के नेवी के चीफ सुनील लांबा 5 दिन की विजिट के ऊपर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में गए हैं। सुनील लांबा जो है हमारी नेवी के 23वें चीफ है। उनका वहाँ जाने का मोटिव जो है वो यूएस की नेवी और भारत की नेवी को करीब लेके आना है, और बायलेटरल रिलेशनशिप्स को और ज़्यादा मजबूत करना है। सुनील लांबा हमारे नेवी के 23वें चीफ हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, और अमेरिका के प्रेसिडेंट का नाम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप है। तो आप सुनील लांबा की फ़ोटो भी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये भारत की नेवी के चीफ है। देखो हमारे देश में प्रमुख लेवल पे 3 सेनाएं हैं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। तीनों सेनाओं के मुखिया के नाम हमें पता होना चाहिए। तो आप लोग कॉपी पेन लेके आप लोग लिखना शुरू करो। आर्मी के चीफ जो है भारत के, उनका नाम है बिपिन रावत। बिपिन रावत भारत के आर्मी के चीफ हैं, बिपिन रावत। भारत में नेवी के चीफ हैं सुनील लांबा, और भारत में एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं उनका नाम है बीरेंद्र सिंह धनोआ। इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं उनका नाम है बीरेंद्र सिंह धनोआ। आगे चलते हैं 6th न्यूज़ पे। फिलीपींस एक एशियन कंट्री है, ये एशिया का ही देश है। इन्होंने फॉर्मली विदड्रॉ कर दिया है, ये अब ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का पार्ट नहीं है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है उसका हेडक्वार्टर जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, वो नीदरलैंड के अंदर है द हेग में। और ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर जितने भी तरह के जेनोसाइड या कुछ ये अपने ये क्रिमिनल से रिलेटेड कोई बड़े काम होते हैं ये उसके फैसले सुनाती है। तो
कुछ कारणों की वजह से फिलीपींस ने जो है वो अपनी सदस्यता इससे अलग करने की मांग की है। फिलीपींस ये चाहता है कि अब वो इसका पार्ट ना रहे। फिलीपींस की राजधानी मनीला है, इसकी करेंसी पीसो है और इसके प्रेसिडेंट का नाम है रोड्रिगो। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं इस वक्त, ये एक लोगो है, सिंबल है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का। सातवीं न्यूज़, चाइना ने अपॉइंट किए हैं वाई गैंग को अपना नया सेंट्रल बैंक गवर्नर। देखो, हर एक देश का एक सेंट्रल बैंक होता है। भारत का जो सेंट्रल बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो हमारे देश के अन्य सभी बैंकों को कंट्रोल करता है। उसे सेंट्रल बैंक इसलिए कहा जाता है ताकि वो देश की बैंकिंग की सेंट्रल पॉलिसीज को बनाने का काम करता है। तो चाइना का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है पीपल बैंक ऑफ चाइना, PBOC, और उसका गवर्नर बनाया गया है वाई गैंग को। तो ये हमें देखने वाली चीज़ है कि अभी चाइना में एक नई सरकार आई है जिसमें जी जिनपिंग को एक बार फिर से 5 सालों के लिए, 2023 तक के लिए वहाँ का जो है वो राष्ट्रपति बना दिया गया है। और अब उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद वहाँ के सेंट्रल बैंक के गवर्नर को चेंज किया है। चाइना की राजधानी है बीजिंग, इसकी करेंसी है युआन और इसके राष्ट्रपति का नाम है जी जिनपिंग। ये जो फोटो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये चाइना के सेंट्रल बैंक की फोटो है। आठवीं और लास्ट खबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहली बार भारत और जापान मिलकर एक वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं जो कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के ऊपर होगी। ये प्रोग्राम भारत के नीति आयोग द्वारा करवाया गया है। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन का नाम राजीव कुमार है, उन्होंने इसके पहले दिन का जो है उद्घाटन किया है दिल्ली में। देखो, भारत और जापान दोनों ही एशिया के देश हैं और दोनों के अंदर ही काफ़ी पुरानी सभ्यता संस्कृति है। और ये भी बात इन दोनों में समानता में है कि इन दोनों देशों में प्रकृति का आपदाएँ काफ़ी हद तक जो है वो चलती रहती है। जापान में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं तो भारत में भी हिमालयन रीजन जो है वो भूकंप से ग्रस्त रहता है। इसके सिवा भारत में कभी सूखा पड़ जाता है तो कभी कोई चक्रवात टकरा जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है। तो भारत और जापान जो है उन दोनों में ही प्राकृतिक आपदाएं काफ़ी आती है। इसीलिए भारत की तरफ से जो भारत का योजना करने वाला जो डिपार्टमेंट है जिसे नीति आयोग बोलते हैं, उन्होंने जापान के साथ मिलकर एक प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है भारत में, जहाँ की दोनों देश मिलकर अपनी टेक्नोलॉजी को, रिसोर्सेज को और अपने कंसेप्ट्स को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे कि हम लोग जो है डिजास्टर मैनेजमेंट से किस तरह से छुटकारा पा सकते हैं। जापान जिसकी राजधानी है टोक्यो और जिसकी राष्ट्रीय भाषा जापनीज है, इसका एरिया 370,972 स्क्वेयर किलोमीटर है और 12.5 करोड़ की इसकी टोटल आबादी है और भारत से लगभग दुगनी इसकी अर्थव्यवस्था है, $4.8 ट्रिलियन। ये जो फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है शिंजो एब। तो इसी के साथ हमारे 19 दिन की करंट जीके जो है वो समाप्त हुई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की करंट जीके की सारी खबरें समझ लगी होंगी। अगर करंट जीके से रिलेटेड अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ ही थैंक यू वेरी मच। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, सावल क्लासेस की तरफ से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं जिनमें बॉयज़ के ग्रुप्स अलग और गर्ल्स के ग्रुप अलग रहते हैं, जहां हम लोग हर रोज एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे करंट जीके, स्टैटिक जीके, रीजनिंग मैथ, इंग्लिश जीके और हर सब्जेक्ट के नोट्स हम लोग शेयर करते हैं, ऑडियो वीडियो लेक्चर शेयर करते हैं और गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन भी वहाँ शेयर होती है। तो अगर आप सावल क्लासेस के साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप लोग अपने नंबर यहाँ नीचे कमेंट में छोड़ सकते हैं अपना नाम लिख कर, या आप हमें हमारे पर्सनल जो दोनों नंबर हैं उनके ऊपर भी आप अपना नाम लिख के सेंड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।